हेलो नमस्कार दोस्तों मैं कृष्ण कुमार आपका स्वागत है रोलगुड़ू टी चैनल में आज हम बात करें नव नव नवीन जो ज़िलों का गठन हुआ था उसके बारे पर चर्चा करेंगे कौन सी तहसील आती है कौन सा उसमें ज़िला है कौन सी उसके अंदर तहसील है कहाँ है, कहाँ पर पड़ता है और राजस्थान का नक्शा कैसा हो गया है तो आज हम इस क्यूज़ के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं तो आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास से पहुंच सके मैं एजुकेशन से जुड़ी सारी जानकारी के आपके पास से पहुंचाता हूं तो सबसे पहले चलेंगे नव नवीन जिलों का गठन तो नवीन सबसे पहले आ गया अनूपगढ़ अनूपगढ़ में है कर्मश नाम उपखंड भी है और तहसील भी है तहसील इसके अंदर है और उपखंड इसमें छः ठीक है तो अनूपगढ़ में अनूपगढ़ तहसील है रायसी नगर में रायसी नगर भी तहसील है विजयनगर में विजयनगर तहसील भी है गढ़साना में गढ़साना और राव रावला ये दो दे रखा है छतरगढ़ ये छतरगढ़ तहसील है अनूपगढ़ में अनूपगढ़ में और खाजवाड़ा भी एक तहसील है तो ये है अनूपगढ़ का नक्शा अनूपगढ़ यहाँ पर है अनूपगढ़ ये रहा और ये रावला रहा और ये छत्तीसगढ़ रहा छतरगढ़ और यहाँ पर ये सारे दे रखे हैं देख लीजिए नक्शा इस ऐसा है अनूपगढ़ का तो अब चलते हैं दूसरे नंबर की ओर अनूपगढ़ आ गया अब आ गया बालोत्रा बालोत्रा का नक्शा ऐसा हो गया देख लीजिए बलोत्रा ऐसा है बालोत्रा यहाँ पर है और यहाँ पर पंचपद्रा पचपदरा ये रहा पंचपदरा पंच जेल भी है पंचपद्रा एक खारे पानी की कल्याणपुर ये है कल्याणपुर बालोत्रा में चार तसील है तसीलें ठीक है याद रखना है चार तसीलें और ये रहे सिवाना शिवाना आ गया समदड़ी ये आ गई समदड़ी और बायतू ये रही बायतू और गीड़ा ये गीड़ा आ गई और सिड़दरी ये रही इस प्रकार है बालोतरा का नक्शा ऐसा है तो अब चलेंगे दूसरे जिले की ओर ब्यावर आ गया ब्यावर ब्यावर का नक्शा ऐसा है देख लीजिए आप ब्यावर ये नक्शा है ब्यावर का इसमें छः तहसील हैं ब्यावर में बदनौर है विजयनगर है मसूदा है रायपुर है जैतारण है, है टाटगढ़ है और ब्यावर है ठीक है इसमें छः तहसील भी हैं ब्यावर का नक्शा ऐसा है, है टाटगढ़ रायपुर जैतारण ब्यावर ये रहा ब्यावर यहाँ पर है ये ब्यावर है यहाँ पर और ये ब्यावर एक ज़िला बना दिया गया अब चलेंगे दूसरे जिले की ओर डिग डिग जिला डिग जिला का नक्शा देख लीजिए आप ये नक्शा है डिग जिले का ठीक है और इसमें है छः तहसील भी हैं डिग जिले में छः तहसील है ये डिग है और कुमेर है है नग नगर सीकरी कामा ये किसके पार्ट है तहसील उप तहसील है ये पहाड़ी पहाड़ी भी एक तहसील है ये रही पहाड़ी ठीक है और डिग यहाँ पर डिग ये ज़िला है बना दिया गया है नवगठित ज़िले में चलेंगे अब दूसरे जिले की ओर डीडवाना कोचाम्बन डीडवाणा कुचामन को भी जिला बना दिया गया इसमें भी छह तसीलें हैं और उपखंड छः हैं ठीक है उपखंड में डीडवाना भी है लाडनू भी है परबतसर भी है मकराना भी है मकराना नागौर ये डीडवाना नागौर से अलग होकर बना है नावा कुचामन सिटी ठीक है कुचामन सिटी एक तहसील बना दी गई है नावा मकराना परबतसर लाडनू छोटी खाटू मोलासर डीडवाना तो ये हो गया डीडवाना का कुचामन का नक्शा जिला हो गया ये अब चलेंगे दूसरे जिले की ओर याद कर लीजिए तहसील और कौन सी कौन सी तहसील है दूदू दूद में तीन तहसीलें मोजामाबाद दूदू फागी सबसे छोटा ज़िला नवगठित ज़िले बनाए हैं उसमें ग्राम पंचायत को भी एक ज़िला घोषित कर दिया गया है कुछ देखने की बात है इसमें भी इतना छोटा ज़िला जिसमें तीन ही तहसीलों और जिला बना दिया जाए ये हो गया दुदू छोटा सा का है ददू और ये आ गया मोजामाबाद और ये आ गई फागी ठीक है दूदू का नक्शा है छोटा सा है गुदूदू कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है चलेंगे यहाँ पे। गंगापुर सिटी गंगापुर सिटी आ गंगापुर सिटी में पाँच तहसील हैं एक तो गंगापुर सिटी है तलवाड़ा और वर्जीपुर बनवास, टोडा भीम नादोती ना, दोती। ना दोती। ये है गंगापुर सिटी का निक्शा गंगापुर सिटी यहाँ पर है ये रहा गंगापुर सिटी ये नादोती है ये तोला भीम है टोडा भीम है और ये हो गया तलवारा ये गंगापुर सिटी का नक्शा हो गया ये चलेंगे हम इसे जयपुर की तरफ जयपुर में दो बना दिए गए हैं जयपुर एक तो है जयपुर ग्रामीण है और जयपुर उत्तर ठीक है ये जयपुर में आ गया ये उपखंड भी है कालवाड़ आजमागानेर तहसील संगानेर का नगर निगम जयपुर ग्रेटर अंतर्गत आने का समस्त भाग ठीक है अब जयपुर ग्रामीण जयपुर ग्रामीण का ऐसा है नक्शा देख लीजिए जयपुर ग्रामीण का नक्शा आप याद कर लीजिए जयपुर ग्रामीण का ठीक है जयपुर ग्रामीण के तहसीलें उपखंड हैं इतने और इतने तहसीलें ये चाकसू हो गई जम्मू रामगढ़ आंधी चोमू ये जो जेबनर शाहपुरा ये है ना ये तहसील है इसकी ठीक है और अब चलेंगे अगले केकड़ी तर तरफ केकड़ी केकड़ी के, केकड़ी में है केकड़ी में पांच तहसील है केकड़ी है सावर है बिनाए है सरवाड है टाटोटी टा, है टोटा टोडा टो, रायसी ठीक है ये होगी केकड़ी केकड़ी ठीक है इसके ये केकड़ी का नक्शा है आपको देखने को मिलेगा ऐसा नक्शा है केकड़ी का चलेंगे अब चलेंगे जोधपुर जोधपुर एक उत्तर हो गया एक जोधपुर दक्षिण हो गया ठीक है इसमें देख लीजिए जोधपुर ग्रामीण ये हो गया नक्शा जोधपुर ग्रामीण का ऐसा नक्शा है देख लीजिए ये हो गए चामू तिनवारी बौरी ये है कि बिल्लारा इस प्रकार का नक्शा जोधपुर ग्रामीण का है यह जोधपुर ग्रामीण इसमें तहसील भी है दे है आपको जोधपुर उत्तर है जोधपुर दक्षिण है जोधपुर उत्तर में क्या दिखाया है जोधपुर उत्तर का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत अन्य भाग को जोड़शेष भाग इसमें है ठीक है अब चलेंगे कोटपुतली बहरोड कोटपुतली बहरोड कोटपुतली को भी जिला बना दिया गया है इसमें सात सात है ना सात है उप तहसील है तहसील उप तहसील उपखंड तो हैं सात ही और इसमें बहरोड है बानसूर नीमका थाना मा, और नारायणपुर कोटपुतली विराटनगर पावटा ये हो गया अपनी कोटपुतली ये रही कोटपुतली कोटपुतली का नक्शा बहरोड अब आगे चलेंगे खेरथल तिजारा खेरथल तिजारा का नक्शा देख लीजिए खेरथल तिजारा है यहाँ पर है खेरथल ये रहा ये रहा खेरथल और तिजारा इसमें तहसील है किशनगढ़ बास है खेरथल है कोटमसीम में हरसोली टपुकड़ा मुंडावर ये इसकी तहसील है और देख लीजिए अब चलेंगे नीम का थाना सिक्कर में सिक्कर कहा गया का थाना में इसको भी तहसील बना दिए नीम का थाना श्रीमाधोपुर उदयपुरवाटी खेतरी इसमें चार चार तहसील हैं चार तहसील ठीक है ये आ नीम का थाना यहाँ पर का थाना है ये पाटन है ये खेतरी और उदयपुरवाटी और श्री माधोपुर इस प्रकार का नक्शा है अब चलेंगे फलोदी फलोदी में छः तहसील है फलोदी है लोहावट है आउच और बाप है गटियाली बापिणी ये होगी फलोदी, फलोदी इसमें है इसमें इसकी तहसील है उपखंड भी है ये बाप है इसका उपखंड है देचू है इसका उपखंड है और फलोदी भी उपखंड है लोहावट इसी उपखंड उपखंड है अब चलेंगे सलूम्बर सलूम्बर यहाँ पर आ गया दोस्तों ये सलूम्बर रहा इसमें चार है तहसील चार तहसील है इसमें सराड़ा है सेमारी है लसाड़िया है सोलंबर है ये चार तहसील हो गई इस प्रकार का नक्शा हो गया सलम्बर का भी अब चलेंगे आगे सांसौर सांसौर में चार तहसील हैं ये सांसौर है भागोड़ा है चित्तलाना है रानीवाड़ा है ये सांसौर है यहाँ पर आ गया और इसके ये नक्शा है देख लीजिए किस प्रकार का नक्शा है नया नवगठित जिले हैं आपको बहुत ही फायदा होगा इस इस वीडियो से आप वीडियो को पूरा देखिए और अब चलेंगे शाहपुरा बिलवाड़ा शाहपुरा यहाँ पर है शाहपुरा इस बिलवाड़ा से शाहपुरा जाजपुर काछोला इसमें पाँच है तहसील पाँच है, तहसील है और उपखंड भी दे रखे हैं पाँच ठीक है और ये हो गई कोटड़ी इस प्रकार से हमें फुलियावास ये देखे ये रहा और जहाजपुर और बनेडा इस प्रकार का और ये हो गया पचास जिले का नक्शा पचास जिले का नक्शा देख लीजिए दोस्तों आप किस प्रकार का नक्शा हो गया अब ठीक है अब जैसे तीन जिले और घोषित कर दिए गए हैं वो तीन जिले मैं आपको बता देता हूं पहला है कुचामन सॉरी कुचामन नहीं है मालपुरा मालपुरा सुजानगढ़ और एक और है मेरी याद आती है मैं आपको आगे बता दूंगा नवगठित संभाग नवगठित संभाग का गठन सिक्कर संभाग में अब जिले आगे संभाग में सिक्कर में कौन से कौन से है एक सिक्कर है जोन जो नीम का थाना नया जिला बनाया है एक चूरू सिक्कर संभाग में जोड़ दिया गया है चूरू को ठीक है याद रखना है पाली पाली जालोर सांचोर एक नया जिला बनाया है सिरोई इसमें आ गया और बांसवाड़ा बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ ठीक है नए नया संभाग नए है बांसवाड़ा और पाली और सीकर को ठीक है चलेंगे आगे संभागों का पुनर्गठन पुनर्गठन में पहले वर्तमान संभाग का नाम है जयपुर संभाग का नाम जयपुर और जिले का नाम जयपुर में आ गया ये देख लीजिए जयपुर आ गया बैरूड कोटपुतली खेरथल जयपुर ग्रामीण दूदू दोसा अलवर ये आ गए जयपुर संभाग में और सीकर नया संभाग बनाया सीकर में सीकर झूंझुनू चूरू नीमका थाना चलेंगे आगे देखेंगे बिकानेर बिकानेर में क्या है बीकानेर में बिकानेर गंगानगर अनूपगढ़ हनुमानगढ़ आ गया संभागों का पुनर्गठन अजमेर में अजमेर में देखिए अब गए अजमेर आता है ब्यावर है केकड़ी टोंक नागौर डीडवाना कुचामुंड शाहपुरा जिलों का नाम है अजमेर में आएंगे भरतपुर में कौन से आएंगे भरतपुर में धौलपुर आएगा और डी गएगा स्वामपुर गंगापुर सिटी करौली आएगा कोटा में कोटा में कोटा बूंदी बारा झालावाड़ ठीक है अब चलेंगे आगे जोधपुर में जोधपुर में एक तो जोधपुर आएगा फलोदी आएगा बाड़मेर जैसल आएगा जैसलमेर आएगा बालोतरा आएगा जयपुर जोधपुर ग्रामीण आएगा और पाली नया संभाग बनाया पाली में आएंगे पाली जालोर शिरोही सांचौर और उदयपुर उदयपुर में आएगा उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा राजसमंद और सलूंबर बांसवाड़ा एक नया संभाग बनाया है उसमें देखेंगे कौन से कौन से आएंगे बांसवाड़ा में बांसवाड़ा आएगा डोंगरपुर आएगा प्रतापगढ़ आएगा तीन जिले आएंगे इसमें ठीक है धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आज हम मैं नौगढ़ जिलों पचास ज़िलों के बारे में बताया है और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर करते रहें जय हिंद जय जय भारत